नमस्कार, मैं नीतू। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आगे की खबरों से रूबरू होते हैं। आजमगढ़ के देवगांव में ड्राइवरों से हुई वसूली। ट्रक ड्राइवर भैयालाल ने बताया कि आरटीओ ऑफिसर गाड़ी छोड़ने के लिए 20,000 रुपए मांग रहा था। वहीं ऑफिसर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई मामला नहीं है, गाड़ी चेक कर रहे थे। क्या नाम आपका है? नाम है भैयालाल। भैयालाल, तो आरटीओ आपको पकड़ा? पकड़ा। क्या पैसा मांग रहे थे आपसे? पैसा ले रहे हैं। कितना मांग रहे थे? 20,000। 20,000। क्या नाम उनका है? आरटीओ साहब का तो नाम है राजन। अच्छा अच्छा, गाड़ी के नंबर उनका है। कहाँ बुलाए आपको? फिर बुलाए, गाड़ी का पेपर लेके गए। अच्छा अच्छा, क्या है मामला पूरा? ये गाड़ी रोके हैं, उसका पेपर देख रहे हैं। पेपर है नहीं, पेपर आपका शुभ नाम पेपर इनका नहीं है, पेपर है नहीं, पेपर मंगा रहे हैं। आजमगढ़ चेवाड़ देवगांव के प्रधान की लापरवाही। यहां के गांव वालों ने बताया कि लोगों को आज तक सरकारी आवास व शौचालय की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है और न कोई सुनवाई ही हो रही है। गाँव वासियों को शौचालय की भी सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम वासियों को प्रधान और सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। मैं फास्ट इंडिया से सादिक उस्मानी। हाँ बताइए, क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या घर द्वार नहीं है सर जी हमारा। कॉलोनी कोई नहीं मिला? कॉलोनी नहीं मिला। प्रधान से कहें आप? कहाँ कहें। अच्छा अच्छा, आप बताइए जी। हमारे पास में मड़ी है, हमारे शौचालय मिला हुआ। शौचालय हमने, शौचालय मिला, कॉलोनी नहीं मिला। कॉलोनी अभी नहीं। हाँ आप बताइए। हमारे घर वाले। अच्छा अच्छा जी, आप बताइए सर। हमने मकान गिर गया 3-4 बार, हमने गया प्रधान के पास। प्रधान बोलते हमारे पास इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, न कॉलोनी है न तो कोई बजट है, तो हम क्या करें साहब? लगा रहे, आप देख सकते हैं इनके पास सरकारी आवास जो है इनको नहीं मिला और इनका झोपड़ी है। जौनपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने की शिव मंदिर की सफाई। ग्राम कौरमौला कला शिव मंदिर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत भाजपा के कार्यकर्ता विनय पांडे, सचिव श्रीवास्तव, महामंत्री राम प्रकाश मौर्य, तिलक धारी मौर्य आदि लोगों ने मिलकर शिव मंदिर का सफाई की। अभियान में दो से लगे हैं स्वच्छ भारत मिशन में। 17 तारीख और इसके बाद गांव में हम लोगों की इच्छा है कि गांव के लोग स्वस्थ रहें और सफाई भी हो, और सफाई जो है गांव में साफ सुथरे लोग रहें, रोग दुख से दूर रहें, भैया यही हम लोगों का लक्ष्य। आपका नाम? विनय कुमार पांडे। प्रांगण में हम गांव सब मिलकर सफाई अभियान शुरू किए हैं। बाबा की प्रतिमूर्ति भारत सरकार का भारत मिशन के दौरान यह सफाई हो रहा है, जिससे यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। कानपुर देहात ग्राम सभा बैजा मऊ के प्रधान दे रहे हैं लोगों को मारने की धमकी। वहां के लोगों का कहना है कि प्रधान हमारा पैसा खा जाते हैं और हमें कोई सुविधा नहीं देते, और लोगों से प्रधान कहते हैं कि अगर किसी से शिकायत किए तो जान से मार देंगे। मैं ग्राम सभा बैजा मऊ में आया हूँ। इस गाँव का बिछावली ग्राम है, वहाँ से लोगों की समस्या सुनते हैं, जरा जानकारी करते हैं। क्या हाल है यहाँ प्रधान का? प्रधान ने यहाँ बहुत पैसा खाया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों को दी है, जरा जानकारी करते हैं। आपका नाम? रामदेव। आपके पति का नाम? राम किशन। आपकी ग्राम सभा कौन सी है? जोड़ी। बैजा मऊ? बैजा। क्या दिक्कत है आपको? हमें यह दिक्कत है कि जब हमारी आवास आई है, आवास में 25,000 रुपये मांग रहे थे, हमने दिए नहीं तो गाड़ी के साथ। आपकी क्या समस्या है? हमारी है आवास हो गया तो रुपया मांग रहे हो, तो कंदरा हम घेर रहे, देखो बार बार दुबा इतना गए तो घेरो और कल कहीं को पुलिया से मिली को। तो प्रधान आपको मारने की धमकी देते हैं? हाँ धमकी देते हैं, मार देते तो मार दें। शौचालय यहाँ बने कितने बने? शौचालय यहाँ कहाँ बने, अब बनी है बस, कुछ नहीं बनी है। देखो आपको क्या दिक्कत? दिक्कत का है हमसे 10,000 लिया बस, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 कहे के लिए लिया है? आवास वाले, आवास के लिए। हाँ साल भर हो गई।
हम पे तो मांग रहे हो बच्चे, देखो नरेगा में काम बहुत तब से मांग रहे, 26,000 रुपया दे, 26,000 हमने की हम पे आए नहीं, हम कहाँ से जो तुम डराइए तो हम देंगे नरेगा के सब पैसा उठा नरेगा। कानपुर देहात में अमरहट ग्राम के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जहाँ विद्यार्थियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के विद्यालय में कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के लोगों से जब मीडिया ने जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ आवास और शौचालय का अभाव है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें वहाँ के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की हकीकत जर्जर दिखी है। आगे खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।